यहां गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य गिरफ्तार, शिक्षकों को भी लिया गया हिरासत में। छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने पर हुआ था यह मामला दर्ज, देर रात कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तार। आपको बड़ी खबर बताया दमोह से, जहां देर रात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दमोह से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, हिजाब विवाद के चलते छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने पर यह मामला दर्ज किया गया था। देर रात कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार किया गया है, शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर दमोह से निकलकर सामने आ रही है, जहां छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने के लिए यह मामला दर्ज किया गया था। देर रात कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको एक बार फिर बता दें, गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। देर रात कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर आपको बता दें, देर रात कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार किया है। कई शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर दमोह से निकलकर सामने आ रही है, जहां छात्र छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने पर यह मामला दर्ज किया गया था। देर रात कोतवाली पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही कई शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर दमोह से निकलकर सामने आ रही है।